हम तीनों बहन मन ही मन में ये स्मरण करते हैं कि भगवान आपके होते हुए हनुमान जी मेरी मम्मी को कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर हार्ट अटैक के वक्त उन्हें मतलब मरे हुए इंसान को आप जिंदा कर दिए तो उन्हें आपको जिंदा रखना ही पड़ेगा। मैं सब कुछ आपके समर्पण कर रही हूँ। हम सब कुछ छोड़ के हम जो मेरी बड़ी दीदी और मैं यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि हम रात भर 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये पूरा भगवान का चमत्कार है भैया। ये 40 साल का हमारा जो प्रॉब्लम था, जो सॉल्व नहीं हो रहा था, चुटकी बजाते हनुमान जी ने ये संभव कर दिया। भैया भैया वो सुनते हैं, वो हर एक के पुकार को सुनते हैं भैया। जब मेरे हनुमान भैया मेरे साथ हैं तो सब कुछ असंभव भी संभव हो सकता है। जब एक मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है तो और कुछ भी असंभव नहीं है भैया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्ते भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम है लीजुन मोदक, मैं उड़ीसा स्टेट रायरंगपुर से बिलोंग करती हूँ एंड बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। ओके, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और आई प्रोफेशन टीचर है। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े और शुरुआत की भक्ति के बाद क्या क्या अनुभव आपने महसूस किए जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य असंभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया 2012 साल की बात है तो हम सब मतलब सिरिडी जाने का हमारा प्लान था तो हम सब रेडी हो रहे थे कि नहीं सिरिडी जाएंगे, मतलब वहां पे एंजॉय करेंगे सब। लेकिन उस रात क्या होता है कि मेरी मम्मी को सीवियर हार्ट अटैक आता है तो इससे हम पूरा टूट जाते हैं कि क्या हो गया। तो फिर उनको जो इतना सीवियर हार्ट अटैक था कि मतलब उनका जो 90% जो हार्ट था वहां पे मतलब पानी जम के वो पूरा इन्फेक्टेड होके मतलब वो ऑलमोस्ट डेड थे। जो उनका हार्ट अटैक हुआ था वो सांस मतलब एकदम भी नहीं चल रहा था। तो हमें मतलब हम पूरा घबरा जाते हैं कि हे प्रभु आपके होते हुए मतलब ये क्या हो गया हनुमान जी। तो मैं वहां पे मतलब हनुमान जी को मन ही मन में स्मरण करती हूँ कि प्रभु आप कुछ भी करके मेरी मम्मी को आप वापस कर दो क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो हम पूरा घबरा जाते हैं। फिर उनको सीपीआर दिया जाता है वहां पे। आधे घंटे तक सीपीआर देने के बाद मतलब हनुमान जी की कृपा से उनका फिर से मतलब सांस चलने लगता है। तब थोड़ा सा हमें राहत होता है। फिर हम यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे हॉस्पिटल था वहां पे मम्मी को एडमिट कराते हैं तो यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से हमें ये पता नहीं चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है बोल के। तो हम उनको घर ले आते हैं, डिस्चार्ज करके उनको रखते हैं। तो फिर दिन वो दिन मतलब उनका जो कंडीशन होता है वो वोर्स होते जाता है, खांसी होता है, उल्टी होता है, तो हमें ये सब सही नहीं लगता है। तो फिर हम उनको अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए हम कटक लेके जाते हैं उन्हें। हम यहाँ हम तीनों बहन मतलब हनुमान जी को ये संकल्प लेते हैं कि प्रभु हम आपका 108 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो लेकिन आप प्लीज मम्मी को ठीक कर दो। तो वहां पे हमें पता चलता है कि मम्मी का जो इको ईसीजी होता है वहां पे पता चलता है कि मम्मी का सीवियर हार्ट अटैक हो चुका है। उनका जो 90% हार्ट है वो ऑलमोस्ट डैमेज है, वो जो 10% हार्ट है उसी से उनका मतलब वो जीवित है। तो वहां पे डॉक्टर भी अचंभित हो जाते हैं कि मतलब कैसे ये पेशेंट इतना दिन तक मतलब जिंदा है, हार्ट अटैक के बाद भी इतना दिन तक कैसे वो जिंदा है। तो फिर वहां पे उनका एंजियोप्लास्ट होता है,
और हनुमान जी के कृपा से बहुत अच्छे से मतलब ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होता है पूरा। फिर उनको आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, लेकिन वहीं पे हमारा सिचुएशन मतलब अचानक से फिर से बिगड़ने लगता है। मम्मी का जो मतलब जो ब्लड प्रेशर रहता है वो पूरा डाउन होके 30 पे चले आता है। तो वहां पे डॉक्टर्स भी मतलब ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसे अचानक से ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल था, लेकिन ऐसे अचानक से क्या हो गया। तो वहां पे हम सब घबरा जाते हैं, और मैं बस हम तीनों बहन मन ही मन में ये स्मरण करते हैं कि भगवान आपके होते हुए हनुमान जी मेरी मम्मी को कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर हार्ट अटैक के वक्त उन्हें मतलब मरे हुए इंसान को आप जिंदा कर दिए, तो उन्हें आपको जिंदा रखना ही पड़ेगा। मैं सब कुछ आपके समर्पण कर रही हूँ। तो फिर उन्हें बहुत मुश्किल से वहां पे जो सेंट्रल आईसीयू जहां पे कि वेंटिलेटर का सुविधा होता है, वहां पे उन्हें मतलब एक सीट बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर वहां पे उनको एडमिट कराया जाता है, और फिर हमें अच्छे से ये खबर भी नहीं आता है कि मम्मी जिंदा है या उनकी मतलब क्या चल रहा है वहां पे। हम सब कुछ छोड़ के हम जो मेरी बड़ी दीदी और मैं यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि हम रात भर 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर हम अखंड ज्योति जला के हनुमान जी का पाठ स्टार्ट करते हैं, और पूरे विश्वास के साथ पूरे रात हम लोग पाठ करते हैं। फिर उसका नेक्स्ट वाला डे हमें मतलब ये वहां से खबर आता है, पापा फोन करते हैं कि मम्मी का अभी जो पल्स रेट है अभी नॉर्मल आ रहा है। फिर वहां डॉक्टर्स भी सब अचंभित थे भैया कि मतलब ऐसे क्या हो गया कि मतलब वहां पे हमें डॉक्टर ऑलरेडी टाइम दे दिए थे कि मतलब हमें जितना भी कोशिश करना था हमने कर लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जीवित रह पाएंगे। तो वो हमें 2 घंटा का वहां पे टाइम दिए थे कि आप अपने नियर एंड डियर वंस को बुला लीजिए, और हम सब कुछ भगवान पे छोड़ रहे हैं। वहीं में हमें भगवान श्री हनुमान जी पे उतना विश्वास आता है, और वो विश्वास इतना अटल रहता है कि मतलब मम्मी को वो कुछ नहीं होने देते, और एक ही रात में पूरा उनका जो पल्स रेट है पूरा नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर्स को भी ये मानना पड़ता है कि आपने कौन से भगवान की इतनी स्तुति की कि मतलब एक ही रात में उनका इतना अच्छा सुधार आ गया। फिर वहां पे 15 डेज के लिए उनको मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो वो अच्छे से हनुमान जी की कृपा से मतलब वो घर आ जाता है। नेक्स्ट मेरा अनुभव है भैया, वो 2023 साल का है। जो मेरी सेकंड सिस्टर है वो यहाँ पे जो बालेश्वर है वहां पे वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो उन्हें वहां अकेले रहने पड़ता है। तो उनका मतलब अंदर ही अंदर मतलब सीवियर जॉन्डिस हो गया। तो हमें पता नहीं था कि उन्हें जॉन्डिस हो गया है। वो उनका वहां पे बुखार आना और मतलब उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। जी तो फिर हम घर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप एक काम करो, हम आपको घर ले आते हैं, आप छुट्टी ले लो कुछ दिन के लिए, और आप घर में रहो, जब आपको पूरा मतलब कंफर्ट फील हो तब आप जाके फिर से ज्वाइन करना वहां पे। तो हम वही बोल के उन्हें ले आते हैं वहां यहाँ पे घर में। तो घर में सिचुएशन इतना वोर्स हो जाता है, उनका उल्टी मतलब इतना ज्यादा मतलब स्टार्ट हो जाता है, मतलब खाना खाना देखने से उनको मतलब उल्टी होना स्टार्ट हो जाता था। तो हमें अचानक से हम सब घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, अचानक से इतना कंडीशन मतलब खराब हो गया। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोलॉजी हैं, वहां पे हम दिखाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, और वहां पे पता चलता है कि दीदी का किडनी में 3.5 mm का एक स्टोन डिटेक्ट हुआ है। तो वहां पे डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन्स लिखते हैं, और 21 दिन का टाइम देते हैं कि 21 दिन के बाद इनका ऑपरेशन किया जाएगा, हमें डेट भी बता देते हैं। तो हम दीदी को लेके आते हैं, उनका मेडिसिन्स स्टार्ट होता है। जब मेडिसिन स्टार्ट होता है तो उनका जो कंडीशन था और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तो उनका उल्टी मतलब और ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, पेट में मरोड़ आना स्टार्ट हो जाता है। फिर मैं मतलब मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आता, तो फिर मैं भगवान का निरंतर हनुमान चालीसा मैं मन ही मन जाप करते रहती हूँ। उनको यहाँ पे सलाइन चढ़ता है, फिर उनको उल्टी का भी मतलब मेडिसिन जो इंजेक्शन रहता है वो दिया जाता है, थोड़ा सा स्टेबल होती है वो। फिर हम यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हम दीदी को लेके जाएंगे किम्स में एडमिट करेंगे।
तब तक भी हमें नहीं पता था कि मतलब वहां पे हमें अच्छे से दीदी का ट्रीटमेंट होगा कि नहीं। मन ही मन में मैं भगवान मतलब श्री हनुमान जी को यही बोलते रहती हूँ कि प्रभु हमें मतलब आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है, आप ही हमें रास्ता दे। तो हम जब भैया यहाँ से हमने सफर स्टार्ट किया तो वो जो मतलब जो भुवनेश्वर है यहाँ से अराउंड 350 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। तो वक्त हम भगवान को यही मन में बोलकर जाते हैं कि भगवान आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है, अब सब कुछ आपके हाथ में हमने छोड़ दिया है, अब आपको ही संभालना। और ऐसे संजीवनी बूटी आप मेरी दीदी को देना कि एक ही बार में मेरी दीदी को जैसे मतलब उनका जो पेट में मरोड़ है और जो उल्टी है वो पूरा स्टॉप हो जाए भगवान। तो फिर यहाँ से हम एम्बुलेंस करके दीदी को लेके जाते हैं। तो रास्ते में एक जगह मेरी दीदी और मुझे सेम टाइम में श्री हनुमान जी स्वयं खुद दर्शन देते हैं। वहां पे एक भव हम देखते हैं, घना जंगल है पूरा, उनका भव्य मंदिर है, वहां पे हनुमान जी खड़े हैं जैसे कि हमें बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, वहां पे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो फिर हम वहां से मतलब जाते हैं, दीदी को वहां पे एडमिट होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है। फिर हम दोनों बहन जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाती है, हम दोनों बहन ऐसे बात कर रहे थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस उनको बोल रही थी कि आपको पता है मैं आते वक्त ऐसे मुझे मतलब घना जंगल में भव्य मंदिर था, वहां पे मैंने हनुमान जी का दर्शन मिला। और उसी टाइम से मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरी दीदी को अब सही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो दीदी बोलती है मुझे भी सेम टाइम में यही दिखाई दिया है, मैंने भी यही देखा है। तो फिर जब वहां से रिटर्न आते हैं, दीदी डिस्चार्ज होती है, तो हम वहां देखते हैं कि रास्ते में वैसे कोई मंदिर नहीं है, वैसे कोई भी मतलब जंगल नहीं है। तो वो श्री हनुमान जी हमें पता चलता है कि वो हमें दर्शन दिया है पूरा। अब भैया मैं बताना भूल गई, जब मतलब सेकेंड टाइम के लिए हमें मेरी दीदी को मतलब बोला गया कि आप 21 दिन के बाद आप ये मेडिकेशन चालू रखिए एंड 21 दिन के बाद आप आइए, फिर से आपका मतलब ये टेस्ट होगा कि किडनी में स्टोन है या नहीं, क्योंकि तब तक उनका जॉन्डिस भी ठीक हो चुका था तो लीवर का साइज भी नॉर्मल आ गया था। तो फिर 21 दिन के बाद मेरी बड़ी दीदी जो है वो संकल्प लेती है कि प्रभु मैं आपका 108 हनुमान चालीसा पाठ करूंगी, आप कृपया चमत्कार करिए कि मेरी बहन का जो स्टोन है वो बिल्कुल भी ना रहे, वो मतलब कंप्लीटली क्योर हो जाए और ऑपरेशन का कोई भी हमें जरूरत ना पड़े। तो हम फिर निकलते हैं यहाँ से, और वहां पे जाके जब हम अल्ट्रासाउंड उनका सेकेंड टाइम फिर से होता है तो चमत्कारिक रूप से हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे एक बार रिपोर्ट्स निकला था कि 3.5 mm का स्टोन है, 21 दिन के अंदर अंदर वो नहीं रहता है। श्री हनुमान की कृपा से हमने मतलब संकल्प लेके उनका हनुमान चालीसा हमने पाठ किया और प्रभु ने हम पे मतलब पूरे कृपा दृष्टि बनाए रखे और उनका जो स्टोन है वो बिल्कुल गायब हो चुका था, वो बिल्कुल स्वस्थ होकर हम खुशी खुशी घर आ गए भैया। फिर ये रिसेंटली भैया हमारा एक प्लान बनता है कि हम यहाँ से रायरंगपुर से हम अयोध्या धाम के लिए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो हम रोज कॉपी में हम सारे फैमिली मेंबर्स राम नाम लिखते हैं। तो हमें ऐसे लगता है क्यों ना हम जा रहे हैं जब तो हम इतने दिल से राम नाम जो लिखते हैं, क्यों ना वो किताब सब हम लेके हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के पास मतलब वो दे के आए। तो फिर हम डिसाइड करते हैं, फिर यहाँ पे बाई कार हम लोग बाई रोड निकल जाते हैं यहाँ से अयोध्या धाम में। बहुत अच्छे से हमारा दर्शन होता है वहां पे और हनुमानगढ़ी में जाके हम भगवान को मतलब हनुमान जी को वहां पे अपना डायरी सब समर्पण करते हैं और बहुत खुशी होता है कि इतने मन से हमने राम नाम लिखा था और भगवान ने इतने प्यार से वहां पे मतलब स्वीकार किया हमारा जो राम नाम लिखा हुआ डायरी वहां पे स्वीकार करते हैं। आप पर विशेष कृपा है बहन, तब जाके ये अनुभव होते हैं। पहले अनुभव में जिस तरह आपने बताया कि एक समय ऐसा था कि पल्स चले गए थे, मतलब सांसें बंद हो गई थी आपकी माताश्री की, और जब हमें पता चलता है कि हमारे अगर माता पिता को कुछ होता है तो हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती, यानी हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाता है।
मगर कहते हैं ना, जहाँ पे हनुमान जी की कृपा होती है वहाँ पे असंभव कार्य भी संभव होते हैं। आपने दिल से जो 108 पाठ किए चालीसा के अपनी बहन के साथ, और जिस तरह दिल से आपने प्रार्थना की, प्रभु ने आपके आपकी सुनी, आपकी प्रार्थना को सुना और आपकी मातोश्री को जीवन दान दिया। दूसरे अनुभव में भी आपकी बहन को जो पीड़ा हो रही थी, एक्सट्रीम लेवल की पीड़ा, जहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि वो अल्ट्रासाउंड में 3.5 mm डिटेक्ट हुआ है स्टोन। देखिए ये उनकी कृपा, देखिए उनका दर्शन देना, रिटर्न में वो मंदिर का ना दिखना वापस, वो आपको स्मरण कराने आए थे कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जैसे आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं, युवा भक्त, और जो इतने प्रभु से जुड़े हैं, ये कहीं ना कहीं आज के युवाओं के सवालों के जवाब आपके अनुभव से मिलेंगे कि वे देखिए कि आप अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो, प्लस पढ़े लिखे हो, साथ में प्रभु भक्ति के मार्ग पे भी आगे बढ़ रहे हो, और किस तरह कदम कदम पर प्रभु आपकी सहायता कर। थैंक यू सो मच, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें अगले अनुभव पे प्लीज। भैया जो मेरा तीसरा अनुभव है वो हम 2023 में हमारा जो मतलब एक प्लॉट है हमारा जो कि 58 डेसिमिल का है, तो उसका जो अभी गवर्नमेंट रेट उसका अराउंड 2 crores के आसपास है। तो पता चलता है कि मतलब वो जो प्लॉट है वो मम्मी के मतलब पापा के नाम पे वो मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ है, जबकि वहाँ पे हमारा जो पापा ने बहुत बड़ा सा एक भव्य मतलब बिल्डिंग बनाया हुआ है वहाँ पे, मतलब विवाह मंडप वहाँ पे बना हुआ है, और पापा के जितना भी मेहनत है मतलब सारे मेहनत के पैसे वहाँ पे मतलब लग चुके हैं टोटल। तो हम सब मतलब टूट जाते हैं मन से कि ये क्या हो गया अचानक। अभी तो गवर्नमेंट के इतने रूल्स भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि मतलब जब हम पता करने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा पापा के नाम पे ट्रांसफर, तो हमें ये पता चलता है कि ये नहीं हो सकता है, जो उसके ओल्ड ओनर हैं उन्हीं के नाम पे ये टिकट ऑलरेडी, ये प्लॉट का टिकट है। तो मैं बजरंग बाण का पाठ स्टार्ट करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि भगवान अब आपको ही करना है, अब आप ही यहाँ के मैजिस्ट्रेट बन के अब आप कुछ ऐसे मतलब समाधान हमें दिखाएंगे कि जो असंभव लग रहा है कोई ना कोई दिशा से आपको संभव करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पापा का कुछ हो जाएगा। हनुमान जी हमें रक्षा करो, मेरे परिवार को रक्षा करो, क्योंकि उनकी सारी मेहनत आपको पता है कि मतलब वो लगा चुके। तो फिर मैं 108 बजरंग बाण का पाठ करती हूँ और फिर रास्ता निकल के आता है, हनुमान जी दिखाते हैं हमें रास्ता। फिर 2 महीने के अंदर अंदर मतलब वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और मेरे पापा के नाम पे वो ट्रांसफर हो जाता है वो जो प्लॉट है। तो ये पूरा भगवान का चमत्कार है भैया, ये 40 साल का हमारा जो प्रॉब्लम था जो सॉल्व नहीं हो रहा था, चुटकी बजाते हैं हनुमान जी ने ये संभव कर दिया भैया। ये सिर्फ उन्हीं का कृपा दृष्टि है और उन्हीं का चमत्कार है भैया। वो सुनते हैं, वो हर एक भक्त के पुकार को सुनते हैं भैया। अगर हम दिल से उनको पुकार लगाते हैं तो वो सुनते हैं भैया। तो आपके साथ साक्षात है, देखिए बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो रहे हैं आपके। एक ये केस जो 40 साल से अटका हुआ था, इतना बड़ा टेंशन और आपकी पिताजी की सारी जमा पूंजी उसमें लगी हुई थी, कितनी विशेष कृपा है। कोई कहता है ना कि अरे चमत्कार नहीं होते, ऐसा नहीं होता, भगवान नहीं होते, तो ये आपके अनुभव से ये साक्षात प्रमाण मिलता है कि नहीं, प्रभु साथ देते हैं, बस हम सच्चे दिल से नहीं बुलाते हैं उन्हें। आपने सच्चे दिल से बुलाया तो देखो वे आपकी सहायता करने आए, उन्होंने आपकी प्रार्थना को सुना, 108 पाठ किया आपने, बहुत अच्छा लगा जानकर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करो, और भी कोई अनुभव हम जानना चाहें। हमेशा हनुमान मतलब मैंने आपकी वीडियो से ये सीखा है कि उनको मतलब हम या तो पिता रूप में माने या तो भाई रूप में माने, तो मैंने उनको भाई माना है और मैं हमेशा उनको भाई के नाम से बुलाती हूँ। मतलब मेरा उनसे ऐसे रिश्ता हो गया है कि मैं मतलब उन्हें अपने बड़े भाई के नजर से देखती हूँ और मैं बोलती हूँ तुझे ये करना ही है भैया, तुझे ये कुछ भी करके करना है। तो अभी रिसेंटली एक मैं आपको अनुभव शेयर करना चाहूंगी। तो एक दिन मैं रात को मतलब ऐसे ही मैं रोज हनुमान जी का जाप करके सोती हूँ, तो ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, तो ये जो है मैं मतलब पाठ करी थी इसका और मेडिटेशन करी थी। तो मेडिटेशन में मुझे मतलब अचानक से मुझे सब कुछ अंधेरा दिखता है, वहां पे मुझे मतलब पूरे बड़े बड़े विशाल पैर दिखते हैं जो श्री हनुमान जी के थे, पूरे मतलब वहां पे ग्रे कलर के उनके मतलब मतलब उनके बड़े बड़े मतलब बॉडी में सब लोम होते हैं वहां पे उनका,
और एकदम सोने के मोटे मोटे कड़े थे भैया, और इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था कि मैं ऊपर तक उनको देखने का बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना विशाल थे और उनका उनका प्रकाश, सिर्फ उनके पैर के ही मुझे दर्शन हुए और मैं धन्य हो गई। मैं भैया मैंने भाई मैंने आपको मतलब कहा था कि मुझे अनुभव दिलाओ कि आप हो बोल के मेरे साथ, और उन्होंने उस दिन मुझे साक्षात दर्शन दिए और उनके पैरों के दर्शन हुए मुझे। जी तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और भैया वैसे ही एक दिन मुझे सपने में नीम करोली बाबा कौन है मुझे ये नहीं पता था, मुझे सीरियसली ये नहीं पता जी था बाबा नीम करोली को। तो मुझे ऐसे सपने में आता है कि बाबा नीम करोली एक चेयर में बैठे हैं, वो ब्रेड खा रहे हैं, वहां कंबल ओढ़े हुए हैं और ब्रेड खा रहे हैं। तो फिर वो मुझे बोलते हैं बेटी मुझे घर नहीं बुलाओगी, तो ऐसे कुछ मतलब मेरे सपने में आता है। तो मैं थक जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि कौन है मेरे सपने में क्यों आए। फिर आपके वीडियोस वहां से मेरे फोन में आना स्टार्ट होते हैं कि बाबा नीम करोली से रिलेटेड आपके वीडियोस वहां जी पे मेरे। जी जी तो मुझे लगता है मैंने तो सेम यही पिक्चर मतलब यही इंसान को मैंने सपना में देखा था। तो मुझे मतलब जी जिज्ञासा होता है कि ये कौन है, मैं उन्हें देखूं, उनके बारे में सर्च करूं। तो मुझे पता चलता है कि ये बाबा नीम करोली हैं। फिर उसके बाद भी मुझे 2 बार उनके दर्शन होते हैं सपना में। फिर उनका मतलब मैं फोटो लेके आती हूँ और घर में उसी दिन से बाबा नीम करोली को भी मैं मतलब पूजा करती हूँ। और भैया ऐसे ही मतलब अनुभव से सब थे मेरे जीवन के, और रोज कुछ ना कुछ तो अनुभव होते ही रहते हैं। जी अब रिसेंटली मैंने मेरी जो दीदी है वो शिमला गई थी घूमने के लिए, तो जी वो बोली भैया आपके जो वीडियोस हैं हम लोग मतलब रोज देखते हैं, रोज हम वेट करते हैं आपके कब नए वीडियोस आएंगे और हम देखेंगे, क्योंकि रोज सबके नए नए एक्सपीरियंस जो है उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि भाई हमेशा हमारे साथ है, हनुमान जी हमेशा हमारे साथ हैं, इसका अनुभव हमें होता है। तो मेरी दीदी मन मन में सोच रही थी कि भाई तू तो सबको दर्शन देता है, कहां मुझे तो कभी दर्शन नहीं मिला तेरा। तो वो ये सोच के जाती है वहां पे वो लोग एक लॉज में रुकते हैं। तो वहां पे क्या होता है भैया, अचानक से 8 से 10 बंदर कहाँ से आते हैं, एकदम जी जो विंडो था वहां का वहां से घुसते हैं पूरा, और मतलब सब कुछ पूरा छानबीन करते हैं। लेकिन वो कुछ भी मतलब वैसे नहीं कि कपड़ा ले गए कि कुछ भी ले गए, यहाँ पे खाली वो खाना लेते हैं। और मेरी दीदी को ऐसे, वहां से एक बंदर था, मेरी दीदी को ऐसे रूप में देखता है मतलब जैसे कि वो स्वयं श्री हनुमान हो, कि तुमने मुझे बोला था दर्शन देने के लिए, मैं आया हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो वहां उसको वो अनुभूति होता है और वो मान जाती है कि भैया मैं मान गई, मैंने तुझे दर्शन के लिए पुकारा था और जी तूने यहाँ पे दर्शन दिया। क्या बहुत बड़ी कृपा है बहन। पहली बात तो आपने बताया कुछ देर पहले कि आप राम नाम लिखते हैं डायरी में, आपको राम नाम प्रिय है, आप राम नाम से आपको प्रीति है, तो राम नाम अगर प्रिय है तो हनुमान जी की कृपा होगी ही, और हनुमान जी की कृपा है तो ऑब्वियसली पूज्य नीम करोली बाबा आपके जीवन में सामने से आ गए, आपको पता भी नहीं चला। और मैंने ये कई भक्तों से सुना, इनफैक्ट मेरे लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है कि कब नीम करोली बाबा की कृपा होने लगी पता भी नहीं चला। जैसे और आपने जो बात कही ना, वो कई भक्तों ने कही है कि मुझे नहीं पता था कि वे नीम करोली बाबा है, उन्होंने पहले मुझे दर्शन दिए, बाद में पता चला कि अरे इनका तो बड़ा धाम है कैची धाम, उनकी हिस्ट्री है, उनका जीवन ऐसा गया है, आज भी वे हैं सभी भक्तों के साथ। तो कई लोगों को उन्होंने वैसे दर्शन दिए हैं, वे कहीं ना कहीं वो कंबल जो उनका जो साथी वे कंबल में ही रहते हैं, और बाद में पता चलता है अरे ये तो बाबा जी हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, राम नाम प्रिय, हनुमान जी की कृपा, तो नीम करोली बाबा का आना तो बनता ही है, तो प्रभु की कृपा तो है ही, साथ साथ गुरुजनों का भी आशीर्वाद है आप पर, विशेष कृपा है, और वे हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। प्लस वो वाला अनुभव जी, आप मंत्र जाप करते करते ध्यान में आपको उनके दर्शन होना, प्लस आपकी बहन को वानर स्वरूप में आके दर्शन होना, तो इसका क्या मतलब है? आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि वे हमारी सुनते हैं, अब दिल से पुकारो ना। लोग कहते हैं अरे मैं तो थक गया हूँ, महीना महीने मैंने पूजा पाठ किया, अभी भी कोई ऐसा नहीं। अब दिल से मात्र राम नाम का जाप भी करेंगे ना, तो वे आपको किसी ना किसी रूप में, किसी के माध्यम से अपने होने का एहसास दिलाएंगे, आपको वो महसूस कराएंगे, आपको एक अलग ही सिक्योरनेस फील होगी कि नहीं मेरे प्रभु मेरे साथ है, किसी
कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ। प्लीज प्लीज और भी कोई अनुभव तो आप बताएं प्लीज। भैया अभी 3 से 4 दिन पहले का ही बात है, तो 2 महीने पहले दिखाने गए थे डॉक्टर। मेरी मम्मी जो मतलब उनका हार्ट ऑपरेशन के बाद वो पूरा डायग्नोसिस में रहते हैं, तो हम दिखाने गए थे तो वहां पे डॉक्टर बोले कि इनका हार्ट रेट जो है वो कमते जा रहा है, तो इसीलिए वो कुछ मेडिसिन को चेंज करते हैं। तो जो कि घर में आके जब मम्मी वो मेडिसिन को चालू करती है तो वो मेडिसिन उन्हें सूट नहीं होता है, जिससे कि उनका सोडियम लेवल पूरा कम हो जाता है जी। तो बहुत प्रॉब्लम होकर स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं बहुत होपलेस हो जाती हूँ। अभी तो मेरे बहन भी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, सब अपने ससुराल में है, तो मैं होपलेस होकर मैं बोलती हूँ भाई मैं तुझे मानती हूँ और तू रहते रहते ऐसे क्या क्या हो रहा है मेरे साथ भाई भाई, तो तू ही मुझे रास्ता दिखा। तो मैं संकल्प लेती हूँ 3 दिन का उनका 7 बार हनुमान चालीसा, 3 दिन के लिए मैं संकल्प लेती हूँ और 7 बार करके रोज मैं हनुमान चालीसा उनका पाठ करती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वो डॉक्टर को दिखाए या कहाँ दिखाए जो मतलब सही से उनका मेडिसिन मम्मी का सूट करे। तो मुझे लगता है इतना मतलब घबराहट डर से अच्छा है कि मैं मतलब हनुमान जी पे सब कुछ छोड़ देती हूँ। वो होते हुए मेरी मम्मी को जब वो मरते दम तक आखिरी सांस भी वो लौटा दिए, तो वही अभी भी हमें सॉल्यूशन दिखाएंगे कि क्या करना है कहाँ दिखाना है। तो मुझे ऐसे मतलब मेरे कान के पास आके मतलब मुझे ऐसे कोई बोलता है कि तुम जहाँ दिखा रही हो वहीं पे दिखाना और कहीं मत दिखाना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये हनुमान भैया ही आके बोलते हैं कि यही सही डॉक्टर है तुम यहीं पे दिखाना। तो भाई को मैं कसम देती हूँ कि इस बार वो डॉक्टर अपने सीट में नहीं, भाई तू ही अब मतलब डॉक्टर बनके तू मम्मी का ईसीजी इको करेगा और तू बोलेगा कि पहले से उनका हार्ट रेट जो है वो पूरा मतलब जैसे सुधार आ गया है, इम्प्रूव हो गया है। मैं ये मतलब हनुमान जी को कसम देती हूँ और मैं 3 दिन का उनका चालीसा का संकल्प लेके मैं फिर चालीसा का करती हूँ। फिर हम लोग रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले हम लोग गए थे भैया, तो हनुमान जी के कृपा से मतलब जब ईसीजी इको करते हैं डॉक्टर तो हमें पता चलता है कि मम्मी का इम्प्रूवमेंट हो गया है, उनका हार्ट बीट जो स्लो हो जा रहा था वो पूरा चमत्कारिक रूप से इम्प्रूवमेंट हो गया है। और जो भी डॉक्टर ने इस बार लिखा, मैं कसम दी थी हनुमान भैया को कि तुझे ऐसे संजीवनी बूटी लिखना है कि मेरी मम्मी को जैसे एक ही बार में सूट कर जाए वो और रिएक्शन जैसे ना हो मेडिसिन का। तो वो पूरा अच्छे तरीके से मतलब मम्मी को पूरा सूट किया और मम्मी अभी पूरा स्वस्थ है। तो रोज ना रोज भैया कुछ ना कुछ तो हमारे साथ ऐसे मतलब चमत्कार होते ही रहे। इसलिए कहता ना कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दिल से जो प्रार्थना निकलती है ना वो सुनते हैं, और आपने तो उन्हें भाई माना है तो वे तो सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे कि बहना बोल क्या क्या करूं सहायता तेरी, और वे हर कदम पर आपकी सहायता कर। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने बहन शेयर किए, और एक प्यारी सी जर्नी है आपकी, प्रभु से जुड़ाव जो आपका है उससे काफी जो युवा है उनके सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे, वे इंस्पायर होंगे और वे कहीं ना कहीं आपके अनुभव को देखकर मतलब भी अपने अनुभव को रिलेट करेंगे कि ये सिचुएशन थी तो इन बहन ने ये किया था, इस तरह संकल्प लिया था, इस तरह प्रार्थना की थी, इस मंत्र का जाप किया था, तो कहीं ना कहीं आपको देखकर वे भी इंस्पायर होंगे और वे प्रभु की शरण में जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए आज हमने वैसे आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जैसे कुछ ही देर पहले आपने कहा कि हम रेगुलर देखते हैं, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? भैया मेरे दिल में वो दृढ़ संकल्प आ गया कि नहीं हनुमान भैया जब सबकी सुनते हैं तो मेरा भी क्यों नहीं सुनेंगे। तो यही मतलब मैंने आपके वीडियो से ही भैया प्रेरित होके मतलब संकल्प कैसे पूरा प्रॉपर लिया जाता है और संकल्प का पाठ कैसे किया जाता है मैंने सीखा है। और सभी भक्तों से मतलब मैंने ये सीखा है कि मतलब जब मम्मी का मतलब सिचुएशंस भी वोर्स हुआ तो ग्लास में मैंने पानी लेके मतलब नासे रोग हरे सब पीड़ा जपने निरंतर हनुमत बीरा ना जाने कितनी बार मैंने पाठ किया है और मम्मी को दिया है और चमत्कारिक रूप से मम्मी को मतलब संभाला है हनुमान भैया ने और हमें भी संभाला है। तो ये सब आपके वीडियो से ही मैं प्रेरित होके मैंने किया है भैया। धन्यवाद, कराने वाले प्रभु है। और आप मानेंगे नहीं, संजोग देखिए कुछ देर पहले आपने अपनी माताजी की हेल्थ के बारे में बताया कि मैंने हनुमान जी को बोला कि आपको आना है, आपको रिपोर्ट निकालनी है, तभी मैं सोच रहा था कि मैं
सजेशन दूं सारे दर्शकों को कि कभी ऐसी कोई हेल्थ से रिलेटेड पीड़ा आए तो आप जल अभिमंत्रित वाला उपाय करेगा, जो अक्सर भक्त करते हैं कि चालीसा का पाठ करें, ना से रोग हरे सब पीड़ा बोलकर पाठ करने के बाद 3 बार फूंक मार के उसे अभिमंत्रित करके जो भी पीड़ित उन्हें पिलाए। मैं बोलने ही वाला था और मैंने सोचा कि ये सवाल पूछ लेता हूँ फिर बोलूंगा, और तब तक आपने बोल दिया कि मैंने वो उपाय किया है। देखिए, संजोग देखिए, प्रभु की लीला देखिए कि जो मेरे मन में बात थी वो आपने कह दी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, भक्त हैं, विचार प्रभु देने वाले हैं, कराने वाले वे हैं, हम तो सब मात्र नियमित हैं। तो प्रभु की विशेष कृपा है बहन आप पर, बहुत ही प्यारा सेशन रहा, बहुत बहुत ही प्यारा सत्संग रहा। और जाने से पहले हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भैया, ऐसे कोई भी काम कठिन नहीं है जो कि श्री हनुमान जी नहीं कर सकते हैं, और मैंने यही एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि जब जब मेरे हनुमान भैया मेरे साथ हैं तो सब कुछ असंभव भी संभव हो सकता है। जब एक मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है तो और कुछ भी असंभव नहीं है भैया। वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, बस वो जुड़ाव रखिए, दिल से उन्हें पुकारे, दिल से राम नाम का जाप करे। देखिए, आपने सरल भक्ति ही की ना, आपने कोई बड़ा तंत्र मंत्र, कोई बड़ा टोटका या कुछ यज्ञ ऐसा कुछ नहीं किया, आपने मात्र सरल भक्ति की। नित्य राम नाम लिखते थे आप, और आपने चालीसा का संकल्प लिया और पाठ किया आपने, और सच्चे दिल से प्रार्थना की तो उन्होंने सुना ना। तो यही तो एक मैसेज देना चाहूंगा सारे भक्तों को कि अगर संकट बड़ा है तो अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, क्योंकि कई बार क्या होता है, संकट बड़ा होता है ना तो लोग भटक जाते हैं, कहीं किसी के पास जाकर पैसे बर्बाद करते हैं और गलत मार्ग पे चले जाते हैं, वो तंत्र में नहीं, सरल भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु को सबसे प्रिय सरल भक्ति ही लगती है, जो भक्त सरल होते हैं ना, सच्चे दिल से, प्रभु उन पर ही सबसे पहले कृपा करते हैं। तो कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, कितनी भी टेंस सिचुएशन क्यों ना हो, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए उनके चरणों में कि प्रभु अब जो करना है आपको करना है, और अपने कर्म करते रहें, और जो भी सरल भक्ति है उसे दिल से प्रभु को अर्पित करें। देखना, आपके अनुभव में वही है, वही हमें सीखने मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया। जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी भैया, मैं यही बोलना चाहूंगी सबको, कंडीशन कितना भी वर्स हो, आप डरिए मत उसे। यही तो हनुमान जी देखते हैं कि ये कंडीशंस में ये मेरे ऊपर भरोसा करता है कि नहीं, तो यही वो देखना चाहते हैं। उसी टाइम हम भटकने के बदले हम पूरा दृढ़ विश्वास उन पे रखेंगे। अगर हम उन पे दृढ़ विश्वास रखते हैं तो वो सुनते हैं भैया, ये मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। ये सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, जो भी उनको दिल से पुकारेगा वो गुहार वो सुनते हैं और वो आते हैं, और वो असंभव चीज को भी वो संभव करके ही रहते हैं भैया। बिल्कुल भैया, ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यारी जर्नी रही है बहन, थैंक यू वेरी मच। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से फिर से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। बहुत ही प्यारे शब्दों में अपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया, और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारा में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।